नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर की। तो क्या साल 2019 में ही पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाता? ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2019 में पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी हो चुकी थी। किसी भी वक्त हिंदुस्तान की मिसाइलें पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती थी। ये बात कोई और नहीं, खुद अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं। अमेरिका से आए इस बयान के बाद इस्लामाबाद में कितना हंगामा मचा हुआ है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। साल 2019 में ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। बालाकोट स्ट्राइक के बाद अगर पाकिस्तान ने एक और गलती की होती तो आज न इस्लामाबाद होता और न ही रावलपिंडी। फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था। न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू होने वाली ही थी। मिसाइलों की फाइनल तैयारी हो चुकी थी। सेनाएं भी तैनात थी। बस बटन दबाने की देरी थी। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु अटैक पर ये बड़ा खुलासा अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। ये खबर पहुंचते ही इस्लामाबाद में हंगामा मच गया। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले के कितने करीब है। उन्होंने किस खास शख्स के बारे में बात करके ये हमला रुकवाया है, और सबसे पहले समझिए कि माइक पोम्पियो कौन है और 2019 में ये कितने ताकतवर थे। साल 2018 से 2021 तक माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री थे। इससे पहले वो अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे। अब माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइंडिंग फॉर अमेरिका आई लव में 2019 का पूरा खिस्सा सुनाया है। उनका दावा है कि बालापुर में एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध शुरू होने वाला था। माइक पोम्पियो का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बात की। इसके साथ ही भारतीय NSA अजित डोवल से संपर्क साधा। हालांकि माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में युद्ध की अंजाम की तरफ इशारा नहीं किया है, लेकिन भारत की प्रमुख अग्निस्त्रियों की मिसाइलों और भारत की तीरों सेनाओं और घातक हथियारों को देखें तो क्लियर होता है कि पाकिस्तान की गलती का अंजाम क्या होगा। माइक पोम्पियो ने इस खुलासे से पाकिस्तान बहुत ही शर्मिंदा है, क्योंकि तब अमेरिका में इस्लामाबाद के सरकार के बदले सीधे आर्मी से कांटेक्ट किया गया था। तब के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, और माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में बाजवा को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेता
और सबसे पावरफुल आदमी बताया है। माइक पोम्पियो के बाद ये क्लियर है कि इस बार भी पाकिस्तान ही युद्ध शुरू करने वाला या असल में भारत में परमाणु हथियारों के मामलों तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखी गई है, यानी कि भारत कभी भी एटॉमिक वेपन से पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच चार बड़े और छोटे युद्ध हो चुके हैं। हर बार पाकिस्तान ने ही हमला किया है। ये बात अब पाकिस्तान की जनता समझ गई। कुल मिलाकर 2019 में पाकिस्तान बाल बाल बच गया। अगर तब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया होता तो भारतीय सेनाओं ने तभी उसको भस्म कर दिया होता। ये थी उस साल की सच्चाई। 2019 में करीब करीब यह युद्ध होने ही वाला था। अगर आपको ये न्यूज लगे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर करिएगा जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना ना भूलें।